गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीतास केक्स एंड मोर। तो कश्मीरी रेसिपीज़ में आज हम लाए हैं पनीर की एक रेसिपी, कश्मीरी चमन। इसे लाल पनीर भी कहते हैं। और चलिए शुरू करते हैं इंग्रेडिएंट्स से। मैंने करीब 5 से 6 बड़े टमाटर लिए हैं, जो वेट में अराउंड 400 ग्राम होंगे। और ये मेरा 250-300 ग्राम के करीब पनीर है। ये मेरे कुछ मसाले हैं, ये है हींग, हल्दी, लाल मिर्च, जीरा और नमक। इसके लिए मैंने इलायची ली है, थोड़ा अदरक लिया है जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, आप अदरक पाउडर भी ले सकते हैं। और ये है मेरा सौंफ का पाउडर। यहाँ मैंने 2 बे लीव्स ली हैं, कुछ काली मिर्चें साबुत ली हैं और 2 से 3 लौंग आप ले लेंगे। इसमें थोड़ा सा चेंज आप कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और ये है मेरा सरसों का तेल। मैं ये सब्जियां सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, आप देसी घी में या किसी रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। देखिए, मैंने अपना पैन गरम कर लिया है और अब मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाल रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताती हूँ कि बिना ऑयल का खाना खाना भी हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए हमारे खाने में मॉडरेशन में देसी घी या सरसों का तेल होना ही चाहिए। इसको 1 मिनट लगेगा गर्म होने में। देखिए, हमारा तेल गर्म हो गया है और अब मैं अपने खड़े मसाले डाल रही हूँ इसमें। खड़े मसाले के साथ साथ ही मैं इसमें हींग और शाही जीरा डाल दूंगी। देखिए, ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया है और वो सब एक साथ सिकने लगे हैं। आधे मिनट के लिए हम इन्हें अच्छे से सेक लेंगे, जिससे इनकी सबकी फ्रेग्रेंस निकल आए, अच्छी लगे, खुशबू आ रही है मुझे हींग की भी। देखिए, जो टमाटर मैंने आपको दिखाए थे, मैंने उनकी प्यूरी बना ली है, आप इसे बारीक चॉप भी कर सकते हैं। और जब तक हमारी ये प्यूरी सिक के गाढ़ी होती है, इतनी ही देर में हम अपने पनीर के स्लाइसेस थोड़े से सेक लेंगे। मैंने अदरक नहीं डाला था इसमें, क्योंकि डायरेक्ट अगर ऑयल में अदरक डालते हैं तो वो जल जाता है। आप सौंठ के फॉर्म में भी अदरक डाल सकते हैं, सौंठ अदरक का ड्राई पाउडर है। और अब जब ये टमाटो की प्यूरी आपकी सिकने लगी है, तभी हम इसमें आधा सौंफ का पाउडर डालेंगे और आधा मैं रोक रही हूँ लास्ट में डालने के लिए। और ये है मेरा थोड़ा सा इलायची पाउडर, करीब 2 से 3 इलायचियाँ हैं ये भी मैं अब डाल रही हूँ। मैं नमक और लाल मिर्च दोनों चीज़ें अभी नहीं डालूँगी, जब ग्रेवी ऑलमोस्ट होने लगेगी तभी डालूँगी मैं। देखिए, जब तक हमारा टमाटो की ग्रेवी बन रही है, हम तब तक अपने पनीर के टुकड़ों को थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। धीमी आंच पे करेंगे तो ये गोल्डन कलर के रहेंगे, नहीं तो पनीर बहुत जल्दी जल जाता है। देखिए, हमारा पनीर एक साइड से लाल हो गया है। जैसे कि इसका नाम भी लाल चमन, पनीर चमन ऐसे है, तो ये सारी ग्रेवी में इसका हिंट भी रेडनेस की तरफ ही रहता है। टमाटर भी हमारे सिकते जा रहे हैं, ये देखिए, आप देख सकते हैं। और जैसा ही इसका नाम है, इसका एंड कलर भी वैसा ही सारा आता है। अभी हम इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे और ये बहुत ही खूबसूरत सा लाल कलर हो जाएगा इसका।
कि मैं थोड़ी सी देगी मिर्च डाल रही हूँ इसमें। देखिए हमारा पनीर सिकता जा रहा है। ऐसे ही हम अपना सारा पनीर सेक लेंगे लो फ्लेम पे, और साथ साथ आप देख सकते हैं मेरी ग्रेवी भी बनने वाली है, और 1 से 2 मिनट में ग्रेवी भी तैयार हो जाएगी। देखिए ऑयल आ गया है ग्रेवी पे। देखिए हमारी टमाटो ग्रेवी ऑयल छोड़ गई है किनारों से, इसका मतलब है ये पूरी तैयार हो चुकी है। और अब मैं लास्ट में जो मैंने थोड़ा सा सौंफ का पाउडर बचाया था इसे उसमें डालूंगी, और हमने नमक अभी तक नहीं डाला था, अब हम इसमें नमक भी डालेंगे, और साथ साथ जो हमारा तला हुआ पनीर है, तला हुआ पनीर डाल के थोड़ा सा बॉइल्ड वाटर डालेंगे, और फिर इसे 2-3 मिनट सिमर करेंगे कवर करके। मैं इसमें थोड़ा सा बॉइल्ड वाटर डाल रही हूँ, आप इसमें नॉर्मल ठंडा पानी कभी भी नहीं डालें, दोनों पानी का टेम्परेचर डिफरेंट होता है तो सब्जी का टेस्ट फ़र्क आ जाता है। आप बॉइलिंग वाटर डालेंगे तो सब्जी आपकी वैसी ही रहेगी बिकॉज दोनों का टेम्परेचर सेम है। देखिए हमारी सब्जी लगभग बनकर तैयार हो गई है, बस अब मैं इसे 5 मिनट के लिए ढक दूँगी। ये देखिए हमारी सब्जी तैयार हो गई है, पनीर लाल चमन। बस अब हम इसे धनिये से गार्निश कर लेंगे। आप इसमें एक ड्रॉप क्रीम का भी डाल सकते हैं, गार्निशिंग आपके हाथ में है, आप जैसे भी करें, बट ऑथेंटिक कश्मीरी में क्रीम नहीं डलती है। आप इसे बॉइल्ड राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और गरम गरम चपाती के साथ भी। लीजिए हमारा पनीर तैयार है, और इसे आप, मैं तो फुलकों के संग खाने जा रही हूँ, आप इसे राइस या फुलके जिसके संग भी खाना चाहें आप इंजॉय करिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपको रेसिपीज़ पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।